मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़ कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? वकील भाई का मकान है जी, रेड माइनर जो है उसका मकान तोड़ दिया गया, सिटी वाले आए नहीं माने किसी की भी, आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी, इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं कीर्ति। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। ये चंद लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम समाज को एक तरफा निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यह हम नहीं, आज की तारीख में हर कोई इस बात को कहने में हिचकता नहीं है, जी हाँ हिचकिचाता नहीं है। चाहे हल्द्वानी हो या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी, या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो हो, क्योंकि अब सरकार की मदद करना गुनाह हो गया है। याद होगा दोस्तों, नए साल पर उत्तराखंड में एक हादसा हुआ था जहां 41 मजदूर टनल में फंस गए थे, याद है, जिनको निकालने में मोदी सरकार की भी हालत खस्ता हो गई है। उनको निकालने फिर दिल्ली से रैट माइनर आए थे, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर 41 मजदूरों की जान बचाई थी। आज उन्हें ही सताया जा रहा है, उनके घर को बुलडोजर से जमीन दोस्त कर दिया गया है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो देश के हीरो थे उन्हीं के घर को प्रशासन ने जमीन दोस्त कर दिया। यहाँ तक कि घर वाले भी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, जिसके बाद सरकार की भी खूब फजीहत हो रही है। देश ही नहीं, ये मामला पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया है, जिसने बीजेपी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। बता दें ये परिवार दिल्ली का रहने वाला है, बस इनकी इतनी गलती थी कि ये मुस्लिम है, क्योंकि सीधे तौर पर सिर्फ मुस्लिम परिवार के घर पर ही बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। देखिए कि किस तरह से अब जाति धर्म में बांट कर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मुस्लिम समाज का होना आपके लिए इस वक्त कितना घातक हो सकता है कि आपकी करी हुई अच्छाई भी नजर नहीं आएगी। देखिए, देखो वकील भाई का मकान है जी, ये रेड माइनर जो है उनका मकान तोड़ दिया गया। ये है जी, देखो हम सिटी वाले आए नहीं माने किसी की भी, पूरा मकान तहस नहस कर दिया गया। ये है वकील भाई और मुन्ना भाई को थाने में बंद कर दिया गया, अब बेफालतू में उनको मार भी रहे हैं, दूसरे का मकान तोड़ दिया उसको मार रहे हैं। ये देखो सब, ये देखो सामान इनका, रोड पे सामान डाल दिया गया सारा कुछ। देखो ये पुलिस वाले उल्टे सीधे मकान फेंक रहे हैं, ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर। ये सब ये देखिए, ये बराबर में मकान है। देखा आपने कैसे घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, शासन प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए इसे बुलडोजर से गिरा दिया है। अब इस मामले में पीड़ित ने कई गंभीर आरोप तक लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि सरकार की ओर से ना कोई नोटिस मिला है और ना कोई बात कही गई है, सीधा बुलडोजर चला दिया है, जिसके बाद सामान तक घर से नहीं निकाल पाए हैं। सुनिए पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने का, यानी कि सामान अपना कहीं और पहुंचाने का समय तक नहीं दिया गया। इतनी क्या हड़बड़ी थी, इतनी क्या जल्दबाजी बुलडोजर चलाने की कि आप पीड़ितों को, जिनके आप घर जमीन दोस्त कर रहे हैं, न जाने कैसे उन्होंने उस आशिया को बनाया होगा, आप उन्हें इतना वक्त इतनी मोहलत नहीं दे सकते कि वो अपना सामान तक कहीं और ले जाए। सुनिए, काल पाए, बच्चों का रिजल्ट भी हमारे अंदर ही सब उसमें रह गए, अब हम कहाँ जाएंगे?
क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे। उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? सुना आपने, ये है आज की सच्चाई, कैसे सरकार में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। उठना भी लाजमी है कि जिस तरह का मंजर है उस पर सवाल तो उठेंगे ही, जिसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा मामला भी जानते हैं। आखिर क्या आरोप लगाए हैं पीड़ित ने? रिपोर्ट्स की माने तो उत्तरकाशी में सिल्क यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले 12 रैट माइनर में से एक वकील हसन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर खजूरी खास में स्थित श्री राम कॉलोनी में बने उसके घर को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। एक वीडियो में रैट माइनर वकील हसन ने अथॉरिटी पर बिना नोटिस के उसका घर गिराने का आरोप लगाया है। रैट माइनर वकील हसन ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगी थी, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया। रैट माइनर ने कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे रहने की जगह छीन ली है। वीडियो में वकील के साथ बैठे 12 रैट माइनर में से एक मुन्ना कुरैशी ने कहा कि अधिकारी हमें पुलिस स्टेशन ले आए और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम अपराधी हैं। उन्होंने पुलिस पर वकील के नाबालिग बच्चों को थाने में लाकर पीटने का भी आरोप लगाया है, इस बर्बरता का भी आरोप लगाया है। रैट माइनर वकील हसन ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगा था। वकील हसन ने कहा कि हमने सिल्क यारा सुरंग में 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें ये मिला। पहले मैंने अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया था कि ये घर हमें दे दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज बिना किसी सूचना के इसे ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में सोशल मीडिया पर कई बड़े पत्रकारों का भी गुस्सा फूटा है। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तरकाशी में फंसे मजदूर याद है आपको, 41 जिंदगियां जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार और तंत्र जब फेल हो गया, बड़ी मशीनों ने जवाब दे दिया, तब दिल्ली के रैट माइनर का नाम सुनने में आया था। आज उसी एक रैट माइनर वकील हसन का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, नोटिस तक नहीं दिया गया। सोचिए ये कितने बेरहम हैं कि जो इंसान जिंदगियां बचाने में मदद कर रहा है आपकी, देश की, आप उसका आशियां गिराने में पल भर का समय नहीं लगा रहे। ये कैसी नाइंसाफी है, या ये क्या चल रहा है? एक और पत्रकार ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि एक सवाल, अगर वकील खान के घर पर भी भगवा झंडा लगा होता तो क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 मजदूर 17 दिनों से टनल में फंसे थे। सारी मशीनों व एक्सपर्ट्स के हार मान जाने के बाद दिल्ली से वकील खान और मुन्ना कुरैशी 12 लोगों की टीम के साथ उत्तरकाशी आए और 41 घरों का चिराग बुझने से बचा लिया था। आज डीडीए ने वकील खान के घर को ध्वस्त कर दिया, सर से छत छीन ली, बिना नोटिस दिए थाने ले जाकर दुर्व्यवहार भी किया। अफसोस, यानी कि छत तो छीनी ही छीनी, दुर्व्यवहार से भी ये हमारी पुलिस प्रशासन पीछे नहीं रही। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि सुरंग में फंसे हुए 41 हिंदुओं की जान खतरे में थी, सरकार इंजीनियर वैज्ञानिक सब फेल हो गए थे, तब वकील हसन ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। सच में वो सरकारी इनाम का हकदार था, लेकिन मुसलमान होने के कारण सरकार घर पर बुलडोजर से ढा दिया, उनका इनाम था, यही उनका इनाम था। सरकार क्या सबक दे रही है, यानी कि आप अच्छे कर्म करने का आपको क्या फल मिल रहा है, ये तो आपके सामने। एक और यूजर ने लिखा है कि रैट माइनर वकील हसन ने उत्तरकाशी के सिल्कियारा टनल में 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी, आज मोदी सरकार के अधीन डीडीए ने उनके घर को दिल्ली में बुलडोजर से गिरा दिया। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? मोदी सरकार की यही है घर को तोड़ने की बुलडोजर नीति, जो ये तक नहीं देख रही कि कौन भला है कौन नहीं, इस तक को आगे नहीं रखा जा रहा है कि किसी ने भलाई करी है तो चलो उसके घर को बख्श दिया जाए, या उसको नोटिस तो दिया जाए, मोहलत तो दी जाए। अब मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास किस तरह से हो रहा है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।